हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो ट्विटर पे चल रहा है मनीषा के खिलाफ, जो ये नेगेटिव चीज़ चल रही है। नेगेटिव पीआर नहीं बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा कि टॉक्सिक फैंस होते हैं ना, जो भाई उनका जो एग्रेशन निकल के बाहर आ रहा है वो ऐसा गंदा एग्रेशन है भाई। मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा भी इस धरती पे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो। तो मैं सबसे पहले भाई मनीषा स्क्वाड है जो, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारी वीडियो देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हम भाई फुल सपोर्ट करेंगे मनीषा को एकजुटता से। ठीक है, एक साथ खड़े होके कोई अभिषा फैंस, अभिया और टोनिशा, एलविशा ये सब छोड़ो, सिर्फ अब मनीषा फैंस, मनीषा स्क्वाड बन के भाई उसकी सपोर्ट करो मनीषा की, क्योंकि उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वरना ये जो इंटरनेट के गुंडे हैं, ये भाई उसका मोराल डाउन कर देंगे, उसके मोराल को तोड़ देंगे अगर उसके सपोर्टर्स उसके साथ नहीं खड़े हुए, ये जो इंटरनेट पे भाई गुंडे छोड़ रखे हैं। तो ये जो पांडा गैंग, टॉक्सिक फैन गैंग बोलूँगा भाई मैं इसको, एक इंटरनेट गैंगस्टर होते हैं ना भाई, वो हैं ये लोग। ये किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इनका मेंटली लेवल इतना ज़्यादा गिर गया है ना, इतना ज़्यादा गिर गया है भाई। जब मैंने वीडियोस और फोटोज और इनकी गंदी हरकतें देखी इंटरनेट पे, भाई शरीर में से ना आग निकलने लग गई। वो एनी एडिट्स करके कोई है ट्विटर पे, अपनी स्पेस होस्ट कर रहा है और रेप थ्रेट दे रहा है भाई मनीषा रानी को, उसकी फैमिली को, उनके फैंस को, रेप थ्रेट लिटरली। अरे पुलिस क्या कर रही है? तुम्हारे कानों तक ये वाली चीज़ें आती नहीं है क्या? पुलिस के कानों तक ये वाली चीज़ें नहीं आती इंटरनेट गैंगस्टरों की? और भाई मतलब लॉ है नहीं है कोई, तुम्हारा मुंह है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। और वो सोच रहा है कि मैं आईडी के पीछे छुप के कुछ भी बोलूँ, मैं कौन सा पकड़ा जाऊँगा? भाई मिनट से पहले अगर पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट करा ना, तो मिनट से पहले तुम्हारा एड्रेस ट्रैक होगा और पता चल जाएगा तुम कहाँ रहते हो और कौन हो तुम, सबके सामने तुम्हारी शक्ल आएगी। और मैं बोलता हूँ तुम भाई, तू 18-19 साल से ज़्यादा का होगा नहीं, तू जो ये गंदी गाली दे रहा और ये फालतू की चीज़ें कर रहा है ना, यहाँ पे 18-19 साल से ज़्यादा होगा नहीं, और अपने माँ बाप का पैसा और नाम और सब कुछ तू भाई वेस्ट कर रहा है भाई इंटरनेट पर। ये तू गाली जो दे रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब सारा का सारा फर्क तेरी लाइफ पे पड़ेगा। और अभिषेक मलान को भाई मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, मैं देखो अभिषेक मलान सबको पसंद है, अच्छा लगता है भाई, वो पॉजिटिव वाइब आती है उससे, बट मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, उसके फैन अगर उसी के किसी फ्रेंड को इतना ब्रूटली अटैक कर रहे हैं, वो एक ट्वीट करके क्यों अपने फैंडम को बोल नहीं सकता है कि भाई ये सब बंद करो, मत करो, ये सब चीज़ें मत करो, क्यों कर रहे हो तुम लोग? अपने ऊपर बात आई वो गणेश जी वाला, जो उसका पुराना कोई वीडियो वायरल हो रहा था भाई, मैं बोलूँगा पुराना वीडियो था, वो वायरल हो रहा था, उसके ऊपर फटाफट से ट्वीट करके भाई सॉरी भी बोल दिया और ये भी बता दिया कि ट्वीट, क्योंकि अपनी नेगेटिव चीज़ हो रही थी ना उसमें, फिर किसी की और की नेगेटिव हो रही है, तुम बात ही नहीं कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, ना किसी को कुछ बोल रहे हो। भाई अपने फैंडम को तो तुम मना कर सकते हो ना कम से कम भी, भाई मत बोलो वो मेरी फ्रेंड है भाई, आफ्टरऑल तुमने कभी उसको सिस्टर बोला था? ये रेप थ्रेट मिल रहे भाई तुम्हारी तरफ से उसको डायरेक्टली, और तुमको जो भाई उसमें टैग कर रहा है वीडियो में, या तुम उसको ब्लॉक कर दे रहे हो। वाह, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। और पांडा गैंग यार, मतलब इतना टॉक्सिक गैंग, लिटरली में गुंडे बैठे हुए भाई इंटरनेट पे यार धमकाने के लिए। अरे हम नहीं डरते भाई, ये तुम क्या लड़कियों को डरा रहे हो भाई वहाँ पे बैठ के, सामने आ, फेस टू फेस बात कर, उसके बाद पता चलेगी तेरे को। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, तू कभी बोलेगा ना सामने आके फेस टू फेस बात करने के लिए, एवर रेडी जहाँ बोलेगा उधर। इतना कोई भाई किसी का लेके निखार रखा, तुम्हारी बातें सुने भाई, इनके ना प्रूफ दिखाता हूँ यार, मैं इनके प्रूफ दिखाता हूँ आपको, इन्होंने क्या गंद मचा रखा है, आज बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करेंगे। और मनीषा स्क्वाड पूरी वीडियो देखना, इन मेरे पास ना मतलब एक तरीका है इनसे छुटकारा पाने का, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो करना जरूर भाई, वो जरूर करना, तुम्हारे
तुम्हारी तरफ से, पूरे गैंग की तरफ से, पूरे स्क्वाड की तरफ से वो चीज होनी चाहिए। मैं बताऊंगा वो क्या करना है। हम इनकी तरह ना वायरल गेम नहीं खेलते, ये जो गंदी वाली गेम है ना भाई, डर्टी गेम, वो नहीं खेलते हम। हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से काम, इनका काम बांधेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैं ना प्रूफ दिखाता हूँ भाई, प्रूफ देखो आप, ये जो इन्होंने फोटोज डाली हैं, ये देखो भाई फोटोज हैं, ये फोटोज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। ये देखो भाई, कोई अनुराग करके है ये, क्या क्या है, व्हाट आई ऑलवेज से, दे जस्ट here to use and throw people, now giving dhamki in space, admit blaming all abhisha fans। मतलब भाई सुनो यार, मतलब क्या चल रहा है ये, ठीक है। वो वाली वीडियो तो भाई मैं प्ले ही नहीं करूँगा यहाँ पे, वो वीडियो को मैं बिल्कुल प्ले नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं मतलब उस वीडियो में उस बंदे ने इतना ज़्यादा गंद बोला है ना, इतना ज़्यादा गंद बोला भाई, मैं ना झेल नहीं सकता। ये देखो, लुक हु इज विद KKL, जिसने आज ही मनीषा को गाली दी, उसी को बैठा के समझा रहे हैं। ये जो अन्नी एडिट्स है ना, जिसकी भाई मैं बात कर रहा हूँ, ये वही बंदा है। इसको भाई, इसको टैग करो, और अभी बताता हूँ भाई, वो पूरी पूरी कहानी मैं बताता हूँ। ये देखो, ये कौन है, ये रियल स्नेक है ना, मतलब गंदी गंदी पिक्चर है यार ये इसके साथ। ये देखो, ये इसके साथ भाई, उसको मतलब गाली पे गाली दी जा रही है, बहुत गंदी गाली दी जा रही है यार। ये कोई तुम्हारा भाई फैंडम है अभिषेक मलान जी? प्लीज आप मेरे को बताइयो, दिस इज योर फैंडम और दिस इज योर नेगेटिव PR? अगर मनीषा ने तुम्हें मना कर दिया या उसकी टीम ने मना कर दिया, भाई प्रोजेक्ट वाइज काम होता है ना। अगली खुला बोल रही है यार कि मेरे को अभिषेक के साथ काम करना है, बट अभिषेक की टीम की तरफ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि पहले मेरी टीम ने ऐसे ऐसे कर दिया था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। भाई हर टाइम मैच करके चलना पड़ेगा अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ काम करना है। आप अपने गैंग को बोल देते हो कि भाई तुम पेल दो, तुम बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भाई और मनीषा गैंग को मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो अन्नी एडिट्स है, इसको टैग करो। इसकी जो इसने भाई वीडियो में बोला है, वो जो ट्विटर स्पेस पे ये गंद बोल रहा है, उसको वीडियो को डालो ट्विटर पे, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ACP को सबको टैग करो, और FIR लॉन्च करवाते हैं इस पर। सब मिलके ये चीज़ भाई स्टार्ट करते हैं, और भाई जब अगर नहीं स्टार्ट करेंगे ना, ये रोज होगा, ये चीज़ रोज होगी। तो भाई किसी ना किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा ट्विटर पे। दिल्ली पुलिस ये काम कर सकती है भाई, सर्वश्रेष्ठ पुलिस है भाई पूरे इंडिया से, और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस को टैग करो जितना हो सकता है, और वो क्लिप लगा के मैं भी करूँगा स्टार्ट, जितना मनीषा स्क्वाड है ना भाई पूरा ये चीज़ करेगा, और उसके बिना भाई कुछ होगा नहीं। नहीं तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही मनीषा को नीचा दिखाते रहेंगे। और भाई फुल सपोर्ट है मनीषा को मेरी तरफ से, मेरे जितने भी भाई सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से, और जितने भी मनीषा के स्क्वाड वाले बंदे देख रहे हैं उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है, फुल। और मैं भाई ऐसे फैंस को ना भाई मैं अपना फ़ैन रखूं भी ना भाई, मैं बोल दूं कि भाई नहीं, जो एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते भाई, कल को ये घूम के तुम्हारे घर की तरफ ही भाई मुड़ेंगे ना अभिषेक मलान, और फिर तुमको ये चीज़ ना बुरी लगेगी बहुत, फिर तुमको अच्छा नहीं लगेगा, फिर बोलोगे नहीं ये अब मेरी बहन को ऐसे बोल रहा भाई। अब किसी की बहन को, मनीषा को, उसकी बहन को भाई रेप थ्रेट, उसके फैंस को रेप थ्रेट, सीरियस नोट पे यार थोड़ा सा भाई दिमाग लगा के मना करो अपने फैंस को, ट्विटर पे आओ मना करो, बोलो नहीं करो, ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने फैंडम को एक बार गलत बोलो तो सही, तुम आके भाई हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और मनीषा भाई तुम काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। जो किसने करना है ना, जो कोई नेगेटिव करना चाहता भाई कर ले, हमको नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हम पॉजिटिव माइंडसेट लेके आपके साथ खड़े हैं। जैसे आप पॉजिटिव हो ना भाई, अभी तक पॉजिटिव हो, आगे भी ऐसे ही पॉजिटिव रहना, जो बोलता है ना बोलने दो, सारे के सारे अपना बिजनेस चला रहे हैं, सब बिजनेस चला रहे हैं अपना भाई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ये अन्य एडिट्स तक पहुँचे, और ट्वीट करो दिल्ली पुलिस को टैग करके कि ये गंद बकवास हो रही है, आप प्लीज़ इस पर इनिशिएट लिए और इसको FIR करो इस पर, ये जो भी बंदा है, और साइबर सेल को बोलो कि इसको ढूंढे कहाँ है ये बंदा।
और ये कौन है, सबके सामने इसकी शक्ल आनी चाहिए, ये आईडी के पीछे छुप के लोगों को रेप थ्रेट दे रहा है बैठ के ना। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।